मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट है, सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है महिलाओं के लिए कॉम्पिटिशन के हिसाब से, तो उम्मीद यही करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा आज। तो फिलहाल तो डैडी का जो ट्रेलर है उस पर बहुत लोगों ने उसे बहुत सराहा, तो ऑब्वियसली अभी पूरा कैंपेन खुलेगा और यही उम्मीद करता हूँ कि जब हम कैंपेन खोलेंगे धीरे धीरे से तो लोग बहुत पसंद करेंगे। कल ईद है और डैडी की तरफ से एक ईद का गाना भी हमारे दर्शकों तक पहुँचेगा। मिस इंडिया के कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक और तीसरी आई थिंक क्वालिटी ये होगी कि वो क्या भारत के अच्छे स्पोक्स पर्सन बन सके, क्योंकि उन्हें भारत का टाइटल मिला। एक्चुअली आप उनका नाम ले रहे हैं मगर मैं अभी डैडी के बैकग्राउंड से ही आ रहा हूँ और वहाँ पर मैं उनको यही ब्रीफ देकर आ रहा हूँ कि जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसमें आरडीजी की यू नो कुछ एक झलक सी आनी चाहिए उसमें, क्योंकि हमारी एक पीरियड फिल्म है, तो जो 70s और 80s का जो दौरान था उनमें अगर बमन साहब का कुछ फ्लेवर आ जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। कॉन्ट्रोवर्सी आपको ही लेके हो सकती है मैडम और किसी को नहीं। जब लोग पिक्चर देखेंगे हम वो देख लेंगे कि ये जो फिल्म है बहुत ही डैडी जो फिल्म है बहुत ही सोच समझ कर हमने बनाई। ये सवाल जो है आपका कि क्या ये गैंगस्टर को एक ग्लोरीफाई करता है, ये हमारे दिमाग में भी था और उस हिसाब की फिल्म हम बनाना नहीं चाहते थे। और जब लोग दर्शक देखेंगे इस फिल्म को वो समझ जाएंगे कि ये इनकी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसीलिए हमने बनाई है। मगर क्या ग्लोरीफाई करना उन्हें, ये ओपिनियन आई थिंक ऑडियंस बनाएगी जब फिल्म देखने के बाद। The confidence and to see how amazing they are. एक्साइटमेंट यहाँ पे भी उतनी है, स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, लगता है इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्क्रिप्टिंग पे, सो देखते हैं जब शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा। यार अपने लुक के बारे में तो यही कहूँगा कि डायरेक्टर का विजन था एंड डायरेक्टर का विजन अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छी फिल्म। किसके साथ यार? इमरान बहुत अमेजिंग एक्टर है, बहुत सालों से यहाँ पे हैं एंड एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, सो इट्स फन टू हैव समबडी हु इज एक्सपीरियंसड एंड हु इज यंग, सो इट्स गुड। Same is the case with Arjun, so he's so amazing that you don't feel like a newcomer because they make you comfortable. So हिंदुस्तानी सिनेमा में उन्होंने बहुत चेंजेस आए हैं, उन्होंने इनिशिएट करा है, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम हैप्पी। It's very hard to choose, I think, you know, all of them are really unique and beautiful in their own way, and I think all of them are special, so I think it's going to be that little X factor for me, and it's a perfect mix of, you know, being quintessential Indian woman and being sensible and smart and graceful, and I think I'll probably just know when I see her. जी बहुत सारी एक्साइटमेंट है, आई थिंक मोर देन एनीथिंग, क्योंकि अभी रिलीज डेट इज स्टिल ऑन द 28th of July, तो आई थिंक आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। आई कांट वेट फॉर द फिल्म टू कम आउट एंड वेडनेसडे एक और सॉन्ग रिलीज होने वाली है। आई थिंक अ फ्यू मीडिया पीपल हर्ड द सॉन्ग टुडे, तो रिएक्शंस बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। कल उनका बर्थडे है लेकिन आज कुछ सेलिब्रेशन हुआ था, हाँ आप नहीं आए थे। मैं भी वहीं पे थी, वहाँ से वहाँ कहीं गया, बट इट वाज नाइस, नाइस लिटिल सेलिब्रेशन, स्मॉल सेलिब्रेशन, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वी शोड द सॉन्ग, तो दैट्स हवा हवा सॉन्ग, इट्स कमिंग ऑन वेडनेसडे। Who Archer? He's super fun, yeah. He's easy going, he's chilled out and quite crazy. And I think the
uncle nephew combination was crazy to keep with on set with Farha so far. नाम तो जुड़ा हुआ है मतलब फिल्म के हिसाब से नॉट अदरवाइज नो इज बैड लक आई थिंक नो इज गुड लक गुड फॉर हिम गुड लुकिंग गर्ल्स गेटिंग लिंक्ड अप विद हिम बट आई एम सेफ या थैंक यू गाइस वेल आई थिंक इट्स अबाउट वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री सो डेफिनेटली अ वेरी ब्राइट यंग लेडी विद अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड द लुक्स हैव टू इक्वली मैच I think that's going to be a dynamic quality that we are going to be looking forward to for tonight. And I've heard all the girls are extraordinary. So it's going to be a, you know, tough judging process for all of us tonight. Okay, I think there are these stalwarts like R.D. Burman, jinke, you know, that's the foundation of our Bollywood business. So. Wishing him all the heartfelt love and wishes right up there and really we definitely evolved from music like that thank you